नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ग्रे स्किन हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर क्लिनिक से, सूरत से। आज हम ये वीडियो बनाया है हमने डिस्कस करने के बारे में बॉडी पियर्सिंग, जो कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, ये बहुत ही कॉमन एक चीज़ है जो कई लोग करवाते हैं, स्पेशली फीमेल्स ऑलमोस्ट कान और नाक छिदवाते हैं। इसके सिवा और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो लोग पियर्सिंग करवाते हैं, फॉर एग्जांपल नेवल और आईब्रो, टंग, लिप्स। तो आजकल बॉडी पियर्सिंग बहुत कॉमन है, फैशनेबल भी जो लोग होते हैं वो लोग बॉडी पियर्सिंग अलग अलग पार्ट्स में करवाते हैं। बॉडी पियर्सिंग से कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, अगर सही ढंग से ना की जाए तो इन्फेक्शन, पेन, ब्लीडिंग, ग्रैन्यूलोमा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इस तरह के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि हमेशा एक डॉक्टर के पास और प्रेफरेबली एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप बॉडी पियर्सिंग कराएं, तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। और अगर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई प्रॉब्लम होती भी है तो डर्मेटोलॉजिस्ट उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। बॉडी पियर्सिंग के दो मेन टेक्निक्स होते हैं, एक स्प्रिंग लोडेड गन से होता है, मतलब एक गन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू पियर्सिंग किया जाता है, और एक निडल से कर सकते हैं हम। जब हम स्प्रिंग लोडेड गन से करते हैं तो यूजुअली जो ईयरिंग या जो भी ज्वेलरी है वो उसमें लोड की जाती है, और जब वो ट्रिगर दबाते हैं तो वो वहाँ पर फिट हो जाती है। जो ईयरिंग या जो भी ज्वेलरी है जहाँ पर पहननी है वहाँ पर वो डायरेक्टली फिट हो जाती है वो ज्वेलरी, और गन से जब करते हैं हम प्रोसीजर तो। और जब निडल से करते हैं तो हम निडल से पियर्स करते हैं वो बॉडी पार्ट, और फिर जो उसका बोर होता है, जो उसका होल होता है, उसमें वो ज्वेलरी को थ्रेड करके और फिर निडल निकाल देते हैं और ज्वेलरी रह जाती है वहाँ पे। तो ये दो मेन प्रोसीजर हैं, टेक्निक्स हैं जिससे हम बॉडी पियर्सिंग करते हैं। यूजुअली बॉडी पियर्सिंग के पहले हम जो एरिया है जहाँ पे पियर्सिंग करना है उसको अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद स्किन मार्कर पेंसिल से मार्किंग की जाती है। यूजुअली मार्किंग हम जो क्लाइंट है जिसको पियर्सिंग करवानी है उसको, या अगर वो छोटे हैं तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन को हम चेक करवाते हैं देखने के लिए कि उनको वो जगह परफेक्टली समझ आ रही है कि नहीं। अगर दोनों साइड पे करवानी होती है, फॉर एग्जांपल ईयर पियर्सिंग जो बायलैटरल होती है, तो हम ये भी चेक करते हैं पियर्सिंग प्रोसीड करने के पहले कि वो एकदम सिमेट्रिकल सेम पोजीशन है कि नहीं। मार्किंग होने के बाद हम अगर गन से कर रहे हैं तो यूजुअली कान वगैरह में कोई एनेस्थीजिया की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर बच्चा छोटा है या कोई भी रीज़न से पेन होने के चांसेस हमें लग रहे हैं तो हम एक नंबिंग क्रीम लगा देते हैं, जिससे जो इमीडिएट एक पिन प्रिक टाइप का सेंसेशन होता है वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है और पेन कम होता है। तो 45 मिनट्स के लिए हम एनेस्थेटिक क्रीम लगा सकते हैं। अगर बहुत सेंसिटिव एरिया है, फॉर एग्जांपल नोज़ या डर बहुत ज़्यादा है, तो इन्फिल्ट्रेट एनेस्थीजिया कर सकते हैं, पर वो प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि प्रोसीजर में एक सेकेंड दो सेकेंड लगता है और एकदम जस्ट शार्प एक बार पिन प्रिक सेंसेशन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। मार्किंग करने के बाद हम यूजुअली प्रोसीड करते हैं प्रोसीजर से। अगर गन से कर रहे हैं, जो प्री लोडेड गन होती है, तो उसमें ईयरिंग या जो भी ज्वेलरी है वो लोड किया जाता है, फिर जो मार्क बनाया है उस पर जो उसका निडल पोर्शन है वो पॉइंट आउट करता है वो ज्वेलरी का, और वो ट्रिगर दबाते ही वहाँ पे फिक्स हो जाता है। अगर हम निडल से कर रहे हैं तो निडल डिपेंडिंग ऑन द ज्वेलरी और जो साइट है उसके हिसाब से निडल की थिकनेस सेलेक्ट करते हैं हम, वो निडल डालते हैं और फिर उसकी जो बोर होती है, उसकी जो होल होती है, उसमें जो ज्वेलरी है उसको थ्रेड करके निडल को निकाल लेते हैं और ज्वेलरी वहाँ डाल देते हैं। जो भी ज्वेलरी हो हम एडवाइस करते हैं यूजुअली 4 to 8 वीक के लिए मिनिमम वो ज्वेलरी को चेंज ना करें, आप वो ज्वेलरी को वहीं रहने दें ताकि स्किन पूरी तरह से वो टनल बन जाए और वो होल बार बार बंद होने के चांसेस ना हो अगर आप ज्वेलरी निकाल दें तो भी। यूजुअली कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है पियर्सिंग कराने के बाद। एक तो आपको हाथ अच्छे से साबुन से धो के फिर ही पियर्सिंग साइट को या ज्वेलरी को टच करना होता है। दिन में 2 से 3 बार
स्पिरिट से या एंटीसेप्टिक लिक्विड से उसको साफ़ करके फिर एंटीसेप्टिक का ऑइंटमेंट लगाना होता है वहाँ पे, और जो ईयरिंग या ज्वेलरी है उसको 2 से 3 बार फुल सर्कल घुमाना होता है। इसके सिवा आपको अगर वहाँ पे पेन, ब्लीडिंग या कोई भी डिस्चार्ज, स्वेलिंग या इचिंग इस टाइप की सेंसेशन हो तो तुरंत आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। स्विमिंग है, स्पा है, ये सब अवॉइड करने हम बोलते हैं। जो भी साइड पे आपने पियर्सिंग कराया है उस साइड को नीचे बॉडी के नीचे दबा के सोने, मतलब इस तरह से नहीं सोएं कि वो दबे, वो ज्वेलरी के वजह से प्रेशर आने से वो नई नई पियर्सिंग में इन्फेक्शन होने के डर हो सकता है। यूजुअली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी यूज़ की है, क्योंकि उसमें निकल होता है और निकल से कई लोगों को इन्फेक्शन एलर्जी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर सही ढंग से पियर्सिंग हो और आफ्टर केयर लिया जाए तो पियर्सिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं होते हैं और आफ्टर केयर भी बहुत ही मिनिमम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो या आप बॉडी पियर्सिंग कराना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।